चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन लेक्चर वन के अंदर। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अ नंबर, अ पॉलिनोमियल, इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और फैक्टर्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर गिव द ओरिजिनल नंबर। अब फैक्टराइज अ मोनोमियल। फैक्टर ऑफ अ गिवन मोनोमियल आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द गिवन मोनोमियल एंड रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब पर्टिकुलर जो मोनोमियल आपको दिया हुआ है उसके कोफिशियंट का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जैसे कि आपको दिया है 6, तो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 3। और जो वेरिएबल टर्म है यहाँ पे एक्स वाई, तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है उसके डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या होगी 1, वाई की डिग्री 1, तो एज इट इज आप रख दो एक्स इंटू वाई। वैसे ही 2x² y² तो 2 की डिग्री क्या है 1, या फिर 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है तो y इंटू वाई, तो टोटल उसके फैक्टर हुए 2 × x × x × y × y। सेम वैसे ही 10x³ y, 2 × 5 × x × x × x × y, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो x 3 times, y की पावर 1 है, देन y 1 time, 10, 2 × 5, दोनों प्राइम फैक्टर 4। अब 34p²q², 34 के 2 एंड 17, पी स्क्वायर का p इंटू पी और q का q, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ q इज 1। अब वैसे 26xy पावर 4, तो 26 के फैक्टर होएगा 2 13 x बिकॉज पावर 1 डिग्री 1, y रेज टू 4 मीन्स y × y × y × y। सेम वैसे 13 × x³ × y² देन 13 × x × x × x × y × y। ये था फैक्टराइजेशन मोनोमियल का। अब आएगा फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो उसका बेसिक है ये a × b + a × c, तो a × b a × c। अब ये दोनों के अंदर से कॉमन क्या निकलेगा a, तो a को दोनों से कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर b + c, टेकिंग a कॉमन यहाँ पे। अब हियर a b + c आर द फैक्टर ऑफ ab + ac। चलो उसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन थोड़े। 2xy + 4, अब यहाँ पे 2xy तो मोनोमियल के जैसे अपन फैक्टर निकाल देते वैसे फैक्टर निकालो। अब 2 × x × y और यहाँ पे 4 के 2 × 2, अब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 2 को कॉमन निकाल लीजिए। अब बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर x × y + 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू 2xy + 2, ये आपका आंसर आ गया। सेम वैसे 6a²b - 3ab² 6a² b
टू इंटू थ्री इंटू ए इंटू ए इंटू बी, थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, थ्री ए और ए बी, थ्री इंटू ए इंटू बी यहाँ पे कॉमन, बचा क्या टू इंटू ए इंटू बी, थ्री ए बी ब्रैकेट के अंदर टू ए माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, टू इंटू थ्री इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ये इसके फैक्टर है। अब माइनस एट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के फैक्टर, टू इंटू टू इंटू टू इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अब ये दोनों के अंदर कॉमन क्या निकलेगा, देन टू, अब थ्री कॉमन है नहीं है, एक्स कॉमन है नहीं है, वाई है यस है, वाई वाई जेड 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 जेड, तो क्या कॉमन निकला, टू इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, बचा गया थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू टू। अब ये जो कॉमन निकला उसको टू इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू थ्री इंटू एक्स माइनस टू इंटू टू। अब टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सेम वैसे यहाँ पे एट माइनस फोर एक्स वाई, तो एट के फैक्टर टू इंटू टू इंटू टू, फोर एक्स वाई उसके फैक्टर टू इंटू टू इंटू एक्स इंटू वाई। अब इन दोनों के तो कॉमन क्या है, टू 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 इंटू टू कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या यहाँ पे टू माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे बचा मीन्स टू इंटू टू मीन्स फोर ब्रैकेट के अंदर टू माइनस एक्स वाई मीन्स इसका आंसर आया फोर ब्रैकेट के अंदर टू माइनस एक्स वाई। ये था फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलीनोमियल, फर्स्ट सिंगल टर्म सी तो मोनोमियल, टू टर्म्स आई तो बाइनोमियल, अब टू टर्म्स से ज्यादा है तो अपन उसको पॉलीनोमियल कहेंगे। अब पॉलीनोमियल के अंदर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, तो उसको दो तरीके से अपन कर सकते हैं, ये इसका बेसिक है। अब यहाँ पे ए दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो ए कॉमन निकाला, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई, इसके अंदर बी निकलेगा एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों के अंदर एक्स प्लस वाई कॉमन निकलेगा, उसको निकालेंगे यहाँ, तो बचेगा क्या लास्ट के अंदर ए प्लस बी, ये आपका आंसर। अब दूसरे तरीके से उसको रीअरेंज करिए, यहाँ पे कोफिशिएंट के हिसाब से रीअरेंज किया था, अब यहाँ पे वेरिएबल के हिसाब से रीअरेंज करो, ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस बी वाई, ये दोनों के अंदर से एक्स कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पे वाई कॉमन निकलेगा ए प्लस बी बचेगा, तो ये दोनों के अंदर से ए प्लस बी कॉमन निकालो तो बचेगा ब्रैकेट में लास्ट के अंदर एक्स प्लस वाई, ये भी आपका आंसर। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि a प्लस बी और x प्लस वाई एक दूसरे के बाद ही आने चाहिए, इसकी जगह पे यहाँ पे x प्लस वाई लिख दिया और a प्लस बी लिख दोगे तो भी आंसर सही है। यहाँ पे ऑर्डर देखा नहीं जाता कि कौन से ऑर्डर पे है, बस यही देखा जाता है ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट दिए हैं उसके साइन क्या है और पावर क्या है। अगर पॉलीनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो वो सम्स बाद में आएंगे, दूसरे लेक्चर में सिखाएंगे हम कि उसको रीअरेंज करना है तो किस ऑर्डर में करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जो कि पावर बेस से किया जाएगा, पर यहाँ पे सब सबकी पावर वन ही है।
और यहाँ पे ब्रैकेट में खास करके बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्स प्लस वाई नहीं, यहाँ पे तो ए प्लस बी दिया हुआ है, पीछे एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो ऐसे किसी भी ऑर्डर में दिया हो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी ब्रैकेट को पहले लिख सकते हो, किसी ब्रैकेट को भी लास्ट में लिख सकते हो। चलो उसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। 4ab + 6ac +2bx + 3cx। अब यहाँ पे शुरुआत के दो डिजिट को लेते हैं अपन। 4ab + 6ac 2bx + 3c। अब यहाँ पे मैंने ये दोनों ही क्यों लिखी, मुझे यहाँ पे a कॉमन दिखा और यहाँ पे 2, 4 और 6 इन दोनों के अंदर भी 2 कॉमन है, तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है इसलिए हमने इसको लिया। जरूरी नहीं कि फर्स्ट के 2 को ही लेना है, इसके जगह पे आप उसको दूसरे किसी और के साथ भी ले सकते हो, बट उसमें से कुछ कॉमन निकलना चाहिए। अगर कॉमन ना निकले तो जो दोनों को लिया है उसके अलावा कोई दो को आप लेते हो तो उसमें से कॉमन लो, तब दोनों में सेम ब्रैकेट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी आया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आया, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, आपने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे आपने 1 ले लिया, तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो यहाँ पे आना चाहिए, वैसे आपको रीअरेंज करना है। चलो तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर 2 × 2 × a × b, अब इसके 2 × 3 × a × c, इसके 2 × b × x, इसके 3 × c × x। अब इसके अंदर कॉमन क्या निकलता है, 2a, 2 × a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 × b, 3 × c, और ये प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे खाली x ही कॉमन निकला, x निकालो, बचेगा क्या, 2 × b, 3 × c। अब यहाँ पे देखो 2 × b + 3 × c, यहाँ पे भी 2 × b + 3 × c, मतलब आपने यहाँ पे रीअरेंज किया और यहाँ पे खाली 2b और 3c ही दिया होता तो यहाँ पे अपन को 1 निकालना पड़ता, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में आया वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आता या फिर ऑर्डर चेंज होता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे 3c + 2b होता है तो वो भी गलत कहा जाएगा। गलत मीन्स 100% गलत नहीं, पर उसके मार्क्स जरूर कटेंगे। अब यहाँ पे 2a 2b + 3c x 2b + 3c, अब 2b + 3c इन दोनों के अंदर कॉमन है तो उसको यहाँ पे निकाल लो, अब बचा गया ब्रैकेट में लास्ट के अंदर 2a + x। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8ax - 2ay 12bx + 3by। अब यहाँ पे 8ax के फैक्टर निकालो, 2 × 2 × 2 × a × x 2 × a × y 2 × 3 × 2 × b × x 3 × b × y। तो यहाँ पे 2a कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 3b कॉमन निकला। अब यहाँ पे 2 × a कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, 2 × 2 × x - y। यहाँ पे 3b कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, 2 × 2 × x - y। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में आया है वही यहाँ पे आएगा, सेम ऑर्डर में सेम डिजिट। अगर नहीं आता इसका मतलब आपने कॉमन निकालने में गलती की है या फिर रीअरेंज करने में कहीं कहीं गलती की है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में रखो, 2a 4x - y - 3b 4x - y। अब यहाँ पे 4x - y कॉमन है उसको कॉमन ले लो, अब बचेगा क्या लास्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर, 2a - 3b।
एक और एग्जांपल रीअरेंज वाला, अब यहाँ पे x इंटू वाई माइनस सिक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता अपन ने, चलो वन कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पे, तो एक्स वाई माइनस सिक्स ब्रैकेट में बचेगा पड़े, यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर वैसा कोई डिजिट ही नहीं है, तो अपने पास अभी रीअरेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपको देखना हो तो दिखा देते हैं, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो अपन निकालते हैं वन एक्स वाई माइनस सिक्स, बट यहाँ पे भी इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ निकलता नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता और एक्स वाई माइनस सिक्स अगर यहाँ पे आता तो प्रॉपर था, बट ये नहीं निकल रखा है इसलिए ये गलत। तो अब क्या करेंगे, तो इसके अंदर रूल्स ऐसे है, आपको रीअरेंज ऐसे करना है कि दोनों के अंदर कॉमन निकलने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है वो कॉमन होना चाहिए। बट इसके अंदर एक दूसरी ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो कि हमेशा सेकंड नंबर का जो है उसको उसके साइन के साथ उठाओ, सबसे लास्ट में डाल दो और आगे दोनों को आगे धक्का मार दो, एज इट इज साइन के साथ आगे भेज दो। तो एक्स वाई माइनस सिक्स पीछे गया तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई आगे आ गया। अब ये देखो, अब ये दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन निकल रही है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई माइनस टू इंटू एक्स, यहाँ पे थ्री इंटू वाई टू इंटू थ्री। अब यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन निकलता है, निकालो ब्रैकेट के अंदर बताया वाई माइनस टू, यहाँ पे कॉमन निकलेगा थ्री, कॉमन निकला थ्री वाई माइनस टू। अब यहाँ पे वाई माइनस टू सेम है, मतलब आपका रीअरेंजमेंट सही है और आप प्रॉपर वे पे हो। अब ये दोनों के अंदर जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो वाई माइनस टू, अब बचा गया लास्ट के अंदर ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री। वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री आपका आंसर। अब एग्जाम्पल एक और, फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस फाइव एक्स प्लस वाई, थ्री इंटू फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा इसके अंदर, इसके अंदर थ्री एक्स, थ्री इंटू एक्स कॉमन, बचा गया लास्ट के अंदर फाइव इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये चीज देखो कि ब्रैकेट के अंदर फाइव इंटू एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे फाइव इंटू एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे वन कॉमन निकाल दो और उसको एज इट इज ब्रैकेट में रख लो, तो इसके अंदर ब्रैकेट में कॉमन आ गया, मतलब आप सही हो। अब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लखो, थ्री एक्स फाइव एक्स प्लस वाई प्लस वन फाइव एक्स प्लस वाई, फाइव एक्स प्लस वाई दोनों के अंदर कॉमन है उसको कॉमन लो, अब बाकी जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो थ्री एक्स प्लस वन। अब दूसरा एक एग्जाम्पल, थ्री माइनस वाई माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे थ्री माइनस वाई एज इट इज रखो माइनस टू इंटू थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसके अंदर तो कुछ कॉमन निकलता नहीं है, थ्री और वाई है, बट यहाँ पे जो है उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है, टू एक्स एक्स। अब यहाँ पे बचता क्या है कॉमन निकलने के बाद, थ्री और y, हाँ तो अब सही होने के चांसेस है, बट क्यों चांसेस क्यों है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अब देखो कि यहाँ पे ये कॉमन निकालते तब साइन चेंज होता है कि नहीं, तो चलो यहाँ पे अब लिखते हैं एज इट इज थ्री माइनस वाई, उसके अंदर से अपन वन कॉमन निकालते, तो वन इंटू ब्रैकेट के अंदर थ्री माइनस वाई, अब यहाँ पे माइनस है, अब लिखेंगे टू इंटू एक्स इंटू एक्स, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा थ्री और वाई, बट यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस क्यों, तो ब्रैकेट में जब आप कोई भी पॉलिनोमियल से या कहीं पे भी आप किसी डिजिट को कॉमन लेते हो और उसके आगे अगर माइनस है और यहां पे ब्रैकेट आप करते हो
यहाँ पे साइन चेंज होगा बिकॉज ब्रैकेट में से अब माइनस को कॉमन निकालो या फिर ब्रैकेट के साथ माइनस से आप मल्टीप्लाई करो। दोनों ही केस के अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं डिजिट सबके साइन चेंज होंगे। जैसे कि माइनस टू इंटू एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर, बट माइनस प्लस माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस माइनस प्लस। इसलिए इन दोनों के से दोनों के अंदर से अपन ने माइनस टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, इसलिए माइनस थ्री था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। और थ्री माइनस वाई कॉमन, ये दोनों को कॉमन ले लो यहाँ पे। अब बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। लेक्चर वन यहाँ पे ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।